कोरोना का असर अभी भी पूरी तरह से बरकरार है और बुल्ढाना ज़िले के अंदर तकरीबन 228 जो ग्राम पंचायत है उनमें चुनाव होना उनका जो समय था वो अभी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। बावजूद अभी जो है कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हुए हैं तो प्रशासक वहाँ पर नियुक्त किए जा रहे हैं। तो 228 ग्राम पंचायतों पर प्रशासकों की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। तो हमारे साथ यहाँ पर उपविभागीय अधिकारी राजेश लोखंडे जी है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से कितने लोग है जो है वहाँ पर नियुक्त किए गए। सर बताइए क्या करें। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना का जो प्रकोप है अपने पूरे देश भर में चल रहा है, इसकी वजह से जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होने थे वो नहीं हो सके। इसकी वजह से पूरे बुल्ढाणा ज़िले में 528 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पर चुनाव इस साल होने थे लेकिन वो नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ पर हमको एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ देना पड़ रहा है। 30 अगस्त को 228 ग्राम पंचायतों के चुनाव हो जाने चाहिए थे, वहाँ पर नहीं होने के कारण वहाँ 228 एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ साथ अगले महीने के 8 तारीख को 289 जो ये है ग्राम पंचायत है वहाँ की भी कार्यकाल समाप्त होने के हैं, वहाँ पर भी हमने एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिए हैं। इन एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते समय हमने यहाँ के जो एक्सटेंशन ऑफिसर है जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी कहलाते हैं वो रैंक में के सब 528 लोगों की नियुक्ति हमने या इस ज़िले में की है। कार्यकाल के ख़त्म होने के बाद किस तरह से काम चलने वाले से? देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो सरपंच के जो ड्यूटीज़ है वो पूरी ड्यूटीज़ अपनी निभाता है। वो ड्यूटीज़ जो सरपंच ने करनी चाहिए वो ही ड्यूटीज़ उसको पूरी करनी है। जो शासन की योजनाएं चल रही है उसको पूरा कार्यान्वयन करना है। को जो विकास काम जो चल रही होंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो चल रहे होंगे गवर्नमेंट के, उनको भी चलाना है। जहाँ तक कि बड़े बड़े जो निर्णय हैं उसके बारे में जो आगे चल के लेने के हैं उसके बारे में क्या करना है उसका पूरा अभी गवर्नमेंट से गाइडलाइन नहीं आए, लेकिन ये प्रशासक जो रहेंगे जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चालू है वो पूरी तरह फंक्शनिंग रहनी चाहिए, इसके लिए वो पूरी तरह से अपनी ड्यूटी निभाएंगे। जिस तरह से 500 के ऊपर जो ग्राम पंचायतें हैं बुल्ढाणा ज़िले के अंदर है वहाँ पर चुनाव होना ज़रूरी था इस साल, बावजूद कोरोना के ये ना होने के कारण प्रशासकों की नियुक्ति वहाँ पर कर दी गई है और आगे का जो जब तक कोरोना का ये असर ख़त्म नहीं होता है तब तक चुनाव नहीं होने वाले हैं, तो इसको लेकर जो अभी प्रशासक नेमे गए हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से काम करने वाले हैं। कैमरामैन योगेश के साथ में दीपक मोरे, विदर्भ टीवी बुल्ढाणा।